हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली। इसी राज्य में अखिलेश यादव काम बोलता है अभियान चला रहे थे, वो बुरी तरह हार गए। अखिलेश की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के जाने के बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। बमुश्किल 1.5 महीने के वक्त में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कार्यशैली बदल दी है। उन्होंने इतनी तेजी से काम किया है और अपने मंत्रियों अफसरों से करवाया भी है कि लोग हैरान हैं कि वही अफसर ऐसे भी काम कर सकते हैं। दफ्तरों में अफसरों का पहुंचना वक्त पर होने लगा है और जनता को सुना जा रहा है, जो कि होना ही चाहिए। कि रात्रि में डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं तो डॉक्टर बैठें, आम जन को कोई दिक्कत ना हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ FIR हो, सिर्फ उनको वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा अगर रिश्वत खोरी हुई तो। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। योगी सरकार ने साफ कह रखा है कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे या फिर अपना टालू रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव उनके बचाव में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नई सरकार में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं बचा है जिसे गालियां न मिल रही हो। अखिलेश ने सहारनपुर की घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की घटना योगी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है और उन्हें परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। अखिलेश यादव ने इस तरह की बातें एक मंच से नहीं बल्कि कई मंचों से कही है, समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कही है। इस सब से यही लगता है कि अखिलेश यादव ने हालिया हार से कोई सबक नहीं सीखा। वो समझ नहीं पा रहे कि अब वो दौर नहीं रहा जिसमें जनता परेशान और अफसर मलाई काटते हैं। सोचो सहारनपुर में उनको किसका सामना करना पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि ये दूसरे तरह की सरकार है। वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपकी भी हमारी भी परवाह नहीं करेंगे। और देखना भी वक्त आएगा, आप भी इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा है, आपने फोन पे भी रिकॉर्डिंग सुनी होगी इनके तमाम बीजेपी के नेताओं की, जो रिकॉर्डेड है कई अधिकारियों के पास। अखिलेश यादव की सरकार में सरकारी विभागों में कामकाज को लेकर एक दो नहीं हजारों सवाल उठे। अधिकारियों के टालू रवैये, कदम कदम पर भ्रष्टाचार, किसी विभाग में अपने ही फंसे हुए पैसों के लिए घूस मांगे जाने, VVIP कल्चर, जनता को हिकारत की नजर से देखा जाना, जनता की आवाज अनसुनी कर दिया जाना, थानों पर इंसाफ नहीं मिलने के ढेरों आरोप लगे, नकारा लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे काम करने वालों का भी मनोबल गिरता रहा। योगी सरकार सरकारी दफ्तरों में काम करने की इस पुरानी संस्कृति को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जो काम करने वाले कर्मचारी थे और अखिलेश राज में भी काम करते थे, उन्हें योगी सरकार में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो काम करने की आदत भूल चुके हैं, उन्हें काम कराए जाने पर परेशानी हो रही है। कार्रवाई किए जाने की चेतावनी को अखिलेश का गालियां नाम देना कतई सही नहीं है। अखिलेश यादव को अपनी लड़ाई विचारधारा के स्तर पर लड़नी चाहिए। कर्मचारियों को ढाल बनाकर वो वापसी नहीं कर सकते। जनता बदलावों और कर्मचारियों के काम करने से अच्छा महसूस कर रही है और अखिलेश यादव को भी इसे समझना होगा। दरअसल कर्मचारियों से काम कराना शायद वो सीख ही नहीं पाए थे, तभी तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि पता होता कि अधिकारी इतनी अच्छी झाड़ू लगाते हैं तो वो भी लगवाते। बहरहाल योगी सरकार कर्मचारियों से काम करवा रही है तो अखिलेश को आड़े नहीं आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।